इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है साथियों, अभी अभी इतनी भयंकर भीषण साथियों हड़कंप मचा है कि साथियों भयंकर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस कर्मियों की साथियों बता दें कि 2 पुलिस चौकियों को साथियों जला दिया गया है, 70 घरों को भी जलाया गया है। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जो साथियों मणिपुर से है। मणिपुर में एक बार फिर से साथियों हिंसा भड़क उठी है। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा की घटना खबर आई है। जिरीबाम जिले में 8 जून को हथियारबंद उपद्रवियों की भीड़ ने 2 पुलिस चौकियों पर आग लगा दी। इतना ही नहीं, वन विभाग समेत कई दफ्तरी सरकारी दफ्तरों और लगभग 70 घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। मोंगबुंग, लमलाई, खूनो और आसपास के गांवों में 230 से ज़्यादा मेताई लोगों को जिला मुख्यालय के 2 राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। इनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल है। बताया जा रहा है कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध उपद्रवियों ने लमताई, खूनो और डिबोंग, खूनो, नुनखाल और बेगरा गांवों में 70 से ज़्यादा घरों को आग लगा दी। ग्रामीणों को अपने घर खाली कर राहत शिविर में शरण लेनी पड़ी। स्थिति को कंट्रोल करने और उपद्रवियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा कर्मियों की मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से 70 से ज़्यादा राज्य पुलिस कमांडो की एक टुकड़ी को जिले में भेजा गया।